हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में मोरेटोरियम के बारे में हम कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी कंटिन्यू आपको परेशान कर रहे हैं, और बैंक और एनबीएफसी कंपनी से ज़्यादा आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है। कभी लीगल नोटिस के नाम पे, तो कभी आपको धमकी देते हैं, तो कभी बदतमीजी से कॉल पर बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे कैसे आपको अपने लोन ईएमआई का एक रुपया भी नहीं देना है इस पैंडेमिक के टाइम में, और हो सके तो आप नहीं देना चाहते तो आगे भी नहीं दे सकते। इसमें हम आपके अधिकारों के बारे में बताएंगे और रिकवरी एजेंट की मजबूरी के बारे में बताएंगे कि वो लोग क्यों आपसे झूठ बोलते हैं, ऐसे कौन कौन से बात है जो आपसे वो झूठ बोलते हैं और आपको झूठ बोल के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी इतना डिमांड करता नहीं है जितना रिकवरी एजेंट आपको परेशान करने के लिए वो लोग बोल देते हैं। देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है, वो डर उनके मन से हट जाए। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी अनसिक्योर लोन ले रखा है, अगर रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके अभी ये बोल रहे होंगे कि मैम हम आपके यहाँ पुलिस भेज रहे हैं, हम आपको कोई लीगल नोटिस भेज रहे हैं, अगर आप ईएमआई पे कर दोगे तो हम पुलिस को रुकवा देंगे, लीगल नोटिस को भी रुकवा देंगे, तो सबसे पहले जाने एक रिकवरी एजेंट के हाथ में ये बिल्कुल नहीं होता कि वो लीगल नोटिस भेज सकता है या पुलिस को कांटेक्ट कर सके। यहाँ तक कि कोई रिकवरी एजेंसी के पास ही इतना हैसियत नहीं होता कि वो पुलिस को कांटेक्ट कर सके। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी लीगल नोटिस भेजने का अधिकार बैंक या एनबीएफसी कंपनी के आर्बिट्रेटर को होता है, और रिकवरी एजेंट के पहुँच से आर्बिट्रेटर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपसे पैसे मांगने आए, अगर वो आपको लीगल नोटिस की धमकी दे, तो उनसे बस इतना पूछिएगा कि लीगल नोटिस भेजता कौन है। अगर आप बैंक में भेजते हो तो आप भेजवाते हो, या बैंक भेजता है, या कोई वहाँ पे अधिकारी बैठता है, उनको ये तक नहीं पता होता है। वो लोग सिर्फ अंधेरे में तीर मारते हैं। उनको बताया जाता है कि आप ऐसे बोलो तो कस्टमर डर के पेमेंट दे देंगे। वो अक्सर आपको बोलते हैं कि आप जल्दी से पेमेंट कर दो तो आप पे एक्स्ट्रा फाइन लगने वाला है, आप पे लीगल नोटिस आने वाला है। ये सारी बातें झूठ होती है। उनको सिर्फ एक चार्ट मिलता है, उस चार्ट को फॉलो करते हैं और रिकवरी करते हैं। उनको ये तक नहीं पता है कि मोरेटोरियम क्या होता है, रिकास्ट क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता। तो अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे, तो अभी परेशान होने की बात नहीं है। देखिए मोरेटोरियम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बैंक एनबीएफसी और आरबीआई का इंटरनल मैटर है। अगर आरबीआई आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपको 100% मिलेगा, पर रिकवरी एजेंट आपकी जान ले लेते हैं। देखिए रिकवरी एजेंट कभी आपको शाम को नहीं मिल सकते, आप घर पे हो तभी आ सकते हैं, लेडीज़ को परेशान नहीं कर सकते, आपके घर पे आके वो बैठ नहीं सकते। अगर फिर भी करे तो आपके पास ये पूरा अधिकार है कि उनके खिलाफ अपमानहानि का दावा कर सकते हैं, वो बेचारा जॉब से भी जाएगा। तो रिकवरी एजेंट ज़्यादातर बात जो बताते हैं वो अक्सर गलत होता है। उनको सुबह जो उनके मैनेजर की तरफ से गाइड मिलता है, वो आपके सामने रट देते हैं रट्टू तोता के जैसे, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब हम आपको एक बताते हैं, अगर आपका सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, सिक्योर लोन में अक्सर ये होता है कि उनका प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। और सिक्योर लोन में कभी भी कोई भी बैंक तुरंत नीलामी नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कभी भी आपके लोन का सबसे पहले तो एनपीए में जाना ज़रूरी है। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको डरा धमका रहा है कि आपके लोन को एनपीए में हम लोग डाल देंगे, तो सबसे पहले लोन आपका 92 डेज के बाद ही एनपीए में जाता है। मान लीजिए आपने 2 ईएमआई पे किया, फिर आप नहीं कर पाए, फिर बीच में आपने 1 ईएमआई पे किया, तो आपका लोन अकाउंट सबसे पहले तो एनपीए में जाएगा ही नहीं। जब आप 90 दिनों तक नहीं करोगे, तब आर्बिट्रेटर पहले आपको बुलाता है, आपकी समस्या को सुनता है, उसके बाद जाके कहीं यहाँ पे लीगल प्रोसीजर चालू होता है, जो कि रिकवरी एजेंट को दूर दूर तक पता नहीं होता। अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, अगर किसी भी तरह का, अगर पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो आप नहीं भी दोगे तो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो चेक लेके बाउंस करा के आपको धमकी देंगे कि हम आप पे केस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस, एक केस और बढ़ जाएगा, पर आज तक आपने अपने नज़र में सुना है कि चेक बाउंसिंग पे किसी को कोई सज़ा हुई है? अगर कुछ होता भी है तो तुरंत अवेलेबल होता है, तुरंत छूट जाओगे। तो यहाँ पे अगर मोरेटोरियम मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, अगर आप ईएमआई नहीं दोगे तो कोई अभी फ़िलहाल तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे मोरेटोरियम छोड़िए, आपका पूरा लोन माफ़ हो जाएगा अगर आपने किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन ले रखा है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही अपडेट था, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बढ़िया सा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।